अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सैमसंग एंड्रॉयड 9 एंड्रॉयड 10 लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले फ़ोन का FRP लॉक किस तरह से बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड ऑल मेथड जो हैं वो न्यू सिक्योरिटी पर वर्क नहीं करते। ये देखें, दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद अ गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली सिंक्ड ऑन दिस डिवाइस। तो ये विदाउट गूगल अकाउंट के नेक्स्ट नहीं जा रहा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सैमसंग की न्यू सिक्योरिटी का FRP लॉक किस तरह से विदाउट PC के बाईपास कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ दिए गए बेल आइकन को पुश करें, ताकि आप तक पहुंचती रहे मेरी आने वाली हर यूज़फुल वीडियो। इस मेथड में हमें एक सिम कार्ड चाहिए होगा जो FRP बाईपास करने के बाद ज़ाया हो जाएगा, उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक सिम कार्ड से हम एक हैंडसेट का FRP बाईपास कर सकते हैं। एम्प्टी सिम कार्ड्स इजीली मार्केट में 25-50 का मिल जाता है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, या आपके पास कोई इनवैलिड सिम कार्ड पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिम कार्ड को पिन लॉक लगाकर हैंडसेट में डालेंगे, और सबसे पहले हम ओल्ड मैथड ट्राई करेंगे और आपको कन्फर्म करूँगा कि इस पर ओल्ड मैथड वर्क नहीं कर रहा है। ये हमने पिन कॉल लगाकर सिम को मोबाइल के अंदर डाला, और ये देखें हमने एजेक्ट किया तो ये नोटिफिकेशन की ऑप्शन नहीं आई। दोबारा से ट्राई करेंगे, और ये देखें दोबारा से नोटिफिकेशन की ऑप्शन नहीं आई। अभी हम दूसरा मेथड जिसमें पिन कोड इंटर किया जाता है वो ट्राई करेंगे। ये देखें हमने पिन कोड लगाया, ओके किया, और ये स्लाइड किया हमने ऊपर से, तो ये देखें दोबारा से नोटिफिकेशन की ऑप्शन नहीं आई। ये दूसरे मेथड से भी दोबारा ट्राई करेंगे, पिन कोड इंटर किया, ओके किया, और ये ऊपर से कंटिन्यूसली हमने स्लाइडिंग की तो ये नोटिफिकेशन बार ओपन नहीं हुई। अभी हम न्यू मेथड ट्राई करेंगे जिसके ज़रिए हम इसका FRP बाईपास कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास सिम पर पिन कोड इंटर करने के लिए 15 अटैम्प्ट होते हैं, तो हम ये 15 अटैम्प्ट जो हैं ये इसके कंज्यूम करें, और रॉन्ग पिन इंटर करते जाएंगे तो ये 15 अटैम्प्ट जो हैं ये कंज्यूम हो जाएंगे। सही पिन कोड इंटर नहीं करना, जस्ट रॉन्ग पिन इंटर करते जाएं। फिफ्टीन अटैम्प्ट कंज्यूम होने के बाद हमारी सिम कार्ड पर ऑप्शन आ जाएगी पासवर्ड की, कि आप फर्स्ट इस पर पासवर्ड लगाएं उसके बाद न्यू पिन कोड इंटर करें। तो हम ये इसके पासवर्ड वाले 15 अटैम्प्ट जो हैं ये भी कंज्यूम करें, पासवर्ड इंटर करेंगे, उसके बाद दो दफ़ा सेम पिन कोड इंटर करके ओके करते जाएंगे तो ये पासवर्ड के जो 15 अटैम्प्ट हैं ये भी कंज्यूम हो जाएंगे। इसमें टोटली हमने रॉन्ग पक और रॉन्ग पिन यूज़ करने हैं, क्योंकि अगर हमने सही पक या सही पिन को यूज़ किया तो ये अटैम्प्ट जो हैं वो दोबारा से रीसेट हो जाएंगे। और ये देखें, ये पासवर्ड इंटर करने की लास्ट अटैम्प्ट है हमारी, इसको भी हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन की ऑप्शन आ जाएगी। देखें हमने पिन कोड लास्ट दफ़ा इंटर किया, और ये देखें सक्सेसफुली नोटिफिकेशन की ऑप्शन आ गई। लॉक को प्रेस करेंगे और ये नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाएंगे। अभी ये हमारा सिम कार्ड ज़ाया हो चुका है, इसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने किसी और मोबाइल का FRP बाईपास करना है तो उसके लिए हमें न्यू सिम कार्ड चाहिए। ये सी आल एप्लीकेशन को दबाएंगे, यहाँ से आल को सिलेक्ट करेंगे तो ये आल एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन सेटिंग शो हो जाएगी। यूट्यूब को ओपन करेंगे, लास्ट पर नोटिफिकेशन सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री एंड प्राइवेसी को ओपन करेंगे,
और यहाँ पर ये YouTube टर्म्स एंड सर्विस को ओपन करेंगे तो ये हमारे हैंडसेट पर गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। नाउ थैंक्स, और ये क्रोम के एड्रेस बार में एक एड्रेस टाइप करेंगे GOO.GL/FII7N7। ये एड्रेस टाइप करेंगे और ये गो का बटन दबाएंगे तो हमारे हैंडसेट पे गूगल ब्राउज़र में स्मार्ट व्यू फॉरम की साइट ओपन हो जाएगी। ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन गूगल अकाउंट मैनेजर को ओपन करेंगे और ये गूगल अकाउंट मैनेजर 8 को डाउनलोड करेगा। गूगल अकाउंट मैनेजर 8 एंड्रॉयड 8 और 9 दोनों पे वर्क करेगा। इस पर डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। अननोन सोर्स को अलाउ करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद पे को स्क्रू डाउन करेंगे और क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड करके इसको भी इंस्टॉल करेंगे। क्विक शॉर्टकट मेकर को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे और ये सर्च बार में लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर। और ये गूगल अकाउंट मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो ये टाइप ईमेल एंड पासवर्ड वाली ऑप्शन को ओपन करके ट्राई के बटन पर दबाएंगे और ये 3 डॉट को क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन करेंगे और यहाँ पर आप अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के ज़रिए साइन इन कर सकते हैं। अपना जीमेल अकाउंट लगाएंगे और पासवर्ड लगा कर साइन इन। साइन इन होने के बाद जब ब्राउज़र पेज क्लोज हो जाए तो अपने हैंडसेट को रिस्टार्ट करेंगे। ये रिस्टार्ट होने के बाद सेटअप विजर्ड आ गया, इसको कंप्लीट करेंगे। वाईफाई नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको नेक्स्ट करेंगे। ये देखें दोस्तों, हमने जो अकाउंट ऐड किया था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, इसको नेक्स्ट करेंगे और हैंडसेट का सेटअप विजिट कंप्लीट करेंगे। और ये देखें दोस्तों, सेटअप विजिट कंप्लीट होने के बाद हमारा हैंडसेट सक्सेसफुली होम मेन्यू पे आ चुका है और इसका FRP लॉक बाईपास हो चुका है। हैंडसेट का मॉडल और एंड्रॉयड वर्जन वेरीफाई करने के लिए ये हम सेटिंग्स में आए, स्क्रॉल डाउन किया, अबाउट होम में गए और ये देखें SMA105F यानी गैलेक्सी A10 सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में गए और ये देखें Android 9 जिसका बैनरी U3 है और सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 जून 2019 जो कि सैमसंग की लेटेस्ट सिक्योरिटी है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से सैमसंग एंड्रॉयड 9 और एंड्रॉयड 10 की लेटेस्ट सिक्योरिटी को FRP बाईपास करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो पहुँचती रहे।